खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। अच्छा सौदाई, ये कैसी सीरियल थी आपकी? सौदाई के जो प्रोड्यूसर थे वो थे हसन जिया साहब। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड टीम उनकी बहुत प्रॉम्प्ट है, इंसान वो बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ काम करके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सौदाई एक ऐसा ड्रामा है फिजा, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं काम कर रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं वहाँ इंजॉय करने के लिए आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी फैज़ान ख्वाजा से एक बहुत अच्छी गप लगती थी, वहाँ पे मेरी असद सिद्दीकी से बहुत मेरी अच्छी गप लगती थी, वहाँ पे दोस्तियाँ यारी हमारी बहुत हो गई, तो हम कहते थे अच्छा चलो दोस्ती में थोड़ा थोड़ा ड्रामा भी कर लेते। अच्छा उसके बाद आप पगले? पगले एक बहुत मुश्किल ड्रामा था फिजा, तो घर में दोस्तों ने लोगों ने कहना शुरू किया पगली। वहाँ उस ड्रामे को शूट करते करते हम सब पगली और पगले हो चुके थे। उस ड्रामे को भी एक साल लगा एंड उसके अंदर मुझे फुल शायराना लड़की नहीं होती, जिसको शायरी पढ़ने का बहुत शौक होता है, हर वक्त सर पे दुपट्टा, मुझे हर वक्त कोई पुराने जमाने की न्यूज़ एंकर बन के हर वक्त रहना होता था। क्रिएटिव टीम ने मेरे कपड़े बनाए जॉर्जेट के कपड़े, उन जॉर्जेट के कपड़ों में जून जुलाई में हम कराची में शूट करते थे, उसमें हमें सांस नहीं आ रही होती थी, मैं कैसे उसमें मैंने काम किया वो मेरा दिल जानता है। मुझे आज भी याद है एक हम ड्रामा कर रहे थे, उसमें फरा शाह हैं, उन्होंने नूर हसन को कहा कि नूर तुम्हारे ना बैक के ऊपर ना कमीज के ऊपर बहुत पसीना आ गया है, तो नूर कहता आपको अभी दिखा है 6 महीने से मैं ये शर्ट पहनो ये धुली नहीं और प्रेस कर करके उसका पसीना दबाया जाता है बकायदा। जो तू शायर दा रोल कीता कोई कद्दा शेर ही सुटो फिर? मुझे कुछ नहीं याद वो मैंने कैसे सीन्स किए सर, आप मैं बयान भी नहीं कर सकती, वो एक एक लाइन और दो दो लाइन याद करने में ही घंटे लग जाते हैं, दी कैसे होगा। एक शायरा है, मुझे उनका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर थे अली मसूर, उन्होंने कहा ये जो शायरा है ये अपने वकी कैटरीना कैफ थी। ओह माय गॉड, वो मैंने और आसिम अजहर ने जब सुना हमने कहा अपने वकी कैटरीना कैफ है क्या, ओए होए हम इतने वो इतने क्यूरियस हो गए कि हमने कहा हमें उनका चेहरा देखने, मुझे उनका नाम नहीं याद, मैंने कहा की बात तो नहीं कर रहे, वही है वही है वही है, उनको उनका कहा था अली मसूद ने कि अपने वकी कैटरीना कैफ। मैंने बोला भाई मुझे तो वीडियो निकाल के दिखाओ, एक कौन है कौन है कौन है हमारे मुल्क से इतनी मतलब खूबसूरत बंदी जिसको आप कह रहे कैटरीना कैफ। मैंने खोल के देखा यार व्हाट अ ग्रेसफुल वुमन शी इज, तो मुझे नहीं पता था कि शायरी की फील्ड में भी ऐसी खवातीन इतनी कॉन्फिडेंट यंग। मैंने कहा वाह यार तो वाकई फिर मुझे इस फील्ड का बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है। कुछ शेर ही सुना दे परवीन शाह जी। कुबकू फैल गई बादशाह साई की, कुबकू फैल गई बादशाह साई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, देखा वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही एक बात अच्छी है मेरे मेरे हर जाए की। क्या बात है, खूबसूरत तो बहुत है आप माशाल्लाह से, शादी के प्रपोजल भी आते होंगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है फिजा कि मुझे आज तक किसी लड़की ने ये भी नहीं कहा कि यार आई टेक यू आउट फॉर कॉफी, ये तो गम है मेरी जिंदगी का। क्या तुम पागल हो गई हो वाकई, पगली पगली नहीं कहा जे सीरीज जल्दी है ना हिना ओते सर मोबाइल को मना लेने यार, तो ये सारे ने सुनिया नहीं विक्की साहब ने क्या सब तो ज्यादा दुख है इन्हां नूं हो रहे। नहीं नहीं एडी कीड़ी गल है यार, अल्लाह वल्लों लाहौर आए हो शो मुकदा तो चलने फिर लॉन्ग ड्राइव के नाल कॉफी पी तेन छुट के वापस आ जाना तुम्हें कॉफी पीना चाचा गाएगा वे तू लौंग वे मैं लैची। कैसी पिक्चर बनाई हुई अपने आइडियल की कि जैसे शादी करोगी तो जब वो ख्वाबों में आता हो या सामने ऐसे तुम उसको इमेजिन करते हो तो कौन से भंगड़े ऐसे स्टेप्स निकलते हो तुम्हारे, क्या है? मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि मुझ पे भरोसा करे, मुझे भरोसा इन ट्रस्ट बहुत ज्यादा चाहिए, दूसरा मुझे वो काम करने से कभी जिंदगी में ना रोके। सर आपने कभी ऐसे ट्रस्ट है नहीं कि किसी को नहीं पता क्या, देखो दूसरी शादी हमेशा वही करता है जिसकी पहली बीवी बहुत अच्छी होती है, वो कहता जी क्या बड़ी अच्छी है देर की एक और लाओ, मैं तीसरी शादी करना चाहता हूँ, मैं चौथी शादी करना चाहता हूँ। हाँ सारा पता है कॉमेडियन है। अच्छा एक रिश्ता हमारे पास है हसन साहब, ठीक है ये रिश्ता नहीं ये कसौटी है। आप तो हिंट्स देंगे, आपने पूछना ये क्या है, क्या है? बहुत बड़ा मुंह, बड़ा मुंह हर चीज के ऊपर एक नाक, वो भी बड़ी, और दो देखने वाले आले जिनको आंखें कह सकते हैं, साइकिल के टायर जैसे होंठ और दो कान जैसे किसी मेले में स्पीकर लगे हों और बहुत बड़ा मैदा जिसके अंदर पूरी दुनिया का खाना समा सकता है, क्या बात है? वेल मछली भी इससे खाना उधार लेकर जाती है। अच्छा। आप बताइए आप कहाँ तक पहुँचे भाई? देखे ना अब इस रिश्ते के बारे में सोच लें क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह मियाँ बहुत मेहरबान है, अल्लाह मियाँ इनको हर चीज जरूरत से ज्यादा दी है, हर चीज जरूरत से ज्यादा दी है और दो चीजें जरूरत से कम है। अरे वो कौन सी? एक अकल और दूसरे पैसे। आपको खाना पकाना पड़ेगा इसके घर जाके और इसके मुंह में बैठ के पकाना पड़ेगा। ओहो
लेकिन विकी साहब मुझे प्रैक्टिकली बताओ, मुझे खाना पकाना नहीं आता, तो ये तो फिर नहीं हो सकता। ना कोई बात नहीं, हम तुम्हारे नसीब में ही नहीं। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल अस्तगफुरुल्लाह, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरा आखिरी दिन है। ओ चाचा को शर्म करो, ब्याने वाली उम्र है बच्चियों की आपकी, ना कि खुद अपने रिश्ते के लिए लाइन पर खड़े हो गए यार, क्या तरीका होता है। आगे बढ़ते बोलना बोलो, इन्हा जैसियां लड़कियां हर प्रपोजल नु रिजेक्ट कर देंदी हैं, फिर बाद चो चाचे तो बुरा नसीबा च आया हुंदा है, तो गली च मंजी डाक ओदियां पिनियां कुट के कह रही हुंदी है, बस भैणा चो नसीब दा सी लभ के। और वैसे भी चाचा हमने बच्ची बयानी है, दफनानी नहीं है। लेकिन फिजा ये मैंने देख लिया, ये मल्टी टैलेंटेड जो कहा था फिकी सर ने वो सही निकला है, क्योंकि जितने रिश्ते दिखाए हैं ये मिसेस खान से कम तो नहीं है, चल सकता है ये। हाँ मगर रिश्ते तुम पे ही लेकर ना, और भी लोग आएंगे पार्टी में हमारे। हाँ वैसे बिजनेस हम करते, पहले विक्की साहब का रिश्ता ढूंढते हैं। विक्की साहब आपके लिए एक रिश्ता आया है। सच्ची? हाँ, उसकी अम्मी ने आपको चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का क्या दिल में आया है, चाय पे बुलाया है, दूर पति साथ लेके जा। ऐसे बढ़ता रोक सको तो रोक लो, एनआरओ मिल गया, एनआरओ मिल गया, एनआरओ मिल गया। ओ मैनू एनआरओ नहीं मिलिया, मैनू मिलिया एचआरओ। जिथे रो राजी रो। तो पता कर लो एचआरओ है कि ये हेल्थ रेगुलेशन ऑफ। अंग्रेजी बोलना भी सीख लो, ओ बच्चे दे मुंह चो डिगन वाली कुल्फी कैच करने लई कराबाजियां लाण आलिया। मैनू अंग्रेजी बोलनी नहीं आउंदी, सिर्फ पढ़नी आउंदी है। ओ माय गॉड, तुम किधर पढ़ सकते हो? ओबामा के सामने तो पर्चियां लेके बैठे होते थे जैसे ऊपर नुस्खे लिखे हुए हैं। उसे भी फंबल हो गए समझ जट साहब, दो लाइना सही पढ़ के थे, अगो लॉन्ड्री दी पर्चियां शुरू कर दी सन। मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जब मियाँ साहब हॉस्पिटल गए ना, तो ये वो लोग हैं जिनको भर्ती भी मियाँ साहब ने की है, इनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई, इनकी प्रमोशनें भी की हैं, और इनका ख्याल भी रखा है। जब इन्होंने मियाँ साहब को हॉस्पिटल में देखा है, सारे ने अपने टीके वाली परातां डोल के ना बजा के किया, मुश्किल ना हो बीमार नी मेरा मियाँ घर आया, मियाँ घर आया सी बेड ते पाया, मियाँ घर आया सी बेड ते पाया, लेना इनू असी संभालनी, साडा मियाँ घर आया ढोलालनी, नारे मारदा फिरदा तलालनी, मेरा मियाँ घर आया ढोलालनी, चलदा है किड्डी सोनी चालनी, मेरा मियाँ घर आया, मेरा मियाँ, मेरा मियाँ, मेरा मियाँ, तेरा मियाँ, तेरा मियाँ, मेरा मियाँ। को कहते सुना था मैंने, एक नर्स को कहते सुना था, उन्हें खाएगा जेल दी दाल नी, मेरा मियां घर आया, मियां घर आया, मचा दिया, 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 मचा। अरे कल मुझे पता था, मचा दिया, इसके प्रोटोकॉल ने पहुंचा लेनी, मेरा मियां घर आया, बोला लेनी, मेरा मियां घर आया, गुड़ खोलांगे असी दिल दे वालनी, मेरा मियां घर आया, बोला लेनी, बाल बाल हो जाना तेरी गुत दा, हाय तेरा की जाना है बगाने पुत दा, हम मेरा मियां घर आया, बोला लेनी, मेरा मियां घर आया। ठीक हो गया ना तेरा फिफड़ा पार्ट चल फिफड़ा मियाँ घर आया, चुप करो, रिहाई का नहीं पैदा होना सवाल नी, मेरा मियाँ घर आया, मियाँ घर आया, जेल च जाना मेरे नाल
मेरा मियां घर आया हो लालमी मेरा मियां घर आया एक टेस्ट अपना एक तेरा कराया एक टेस्ट अपना एक तेरा कराया तेरी हुकूमत दा आखरी साल नी आखरी साल नी सजावा देखो कटदा नवाजे पेशियां भुगतन लई नीरा शबाजे पेशियां भुगतन लई नीरा शबाजे फैमिली ते आया कैसा जवाल नी मेरा मियां घर मैं डील कराया डील का हम मेरा तन मन डीलो डील मैं डील कराया डील का मेरा तन मन डीलो डील मैं सौदे कीते वोटां दे मैनू धर लिया नैब वकील मैं सौदे कीते वोटां दे मैनू धर लिया नैब वकील रब वकीली ना करे ते बंदा कौन बखील मुझे क्यों निकाला फिर जेल में डाला मुझे क्यों निकाला फिर जेल में डाला सवाल नी और मैंने तुझे हॉस्पिटल में नहीं छोड़ना मैंने तुझे वापस जेल लेके जाना रोटी नी लभदी ना लभदी ए दाले रोटी नी लभदी ना लभदी ए दाले यकीन नहीं आंदा चल नाले ओए मेरा मियां घर आया